उज्जैन के भाट पशलाना थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से शराब बिक्री की जा रही है। इसकी सूचना भाट पशलाना पुलिस को मिल रही थी और फिर पुलिस ने घेराबंदी करके 6 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 36 पेटी शराब जब्त की गई है। भाट पशलाना पुलिस ने जब्त की हुई शराब की कीमत लगभग 1,00,000 रुपए से ज्यादा बताई है। फिलहाल पुलिस इन 6 आरोपियों पर अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर चुकी है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि कब से यह अवैध रूप से शराब का कारोबार कर रहे थे और कहां कहां से शराब लाते थे और कब से शराब कारोबार में लिप्त हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।